नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर के स्नैक्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, ज़रूर बनाएं। ये हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो गई है। हम एक चम्मच तेल डाल लेते हैं, तेल को हल्का सा गर्म होने दें। उसके बाद ये आधी चम्मच जीरा हम डाल लेंगे, जीरे को हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद 6 से 7 कलियाँ हमने लहसुन की बारीक काटी हैं, उसे भी भून लेंगे, अच्छा ब्राउन होने दें। उसके बाद 2 हरी मिर्ची हमने काटी है, वो हम डाल लेंगे, मिर्ची को भी हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद ये 2 चम्मच हमने बेसन लिया है, बेसन को भून लेते हैं, थोड़ा सा हल्की खुशबू आने तक हम इसे भून लेंगे। उसके बाद 2 आलू हमने कद्दूकस करें, वो डाल देते हैं। और ये हमने 3 चम्मच तक मटर उबाल के रखी हैं, वो हम डाल दिए। ये हम धनिया की पत्तियाँ डाल लेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल लेंगे, अमचूर पाउडर डाल लेंगे। उसके बाद नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और ये अजवाइन हम ले रहे हैं, इसे क्रश करके हम डाल लेते हैं। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बिल्कुल डो बना लेंगे इसको। अच्छा सा भून भी गया है ये, तो ऐसे करके अब हम एक बाउल में इसे ले लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा इसे मसल लें। उसके बाद हम हाथों में थोड़ा तेल लगा लेंगे और ऐसे छोटी सी लोई तोड़ के हम ऐसे हल्की सी लंबाई में इसे कर लेंगे, उंगलियों की मदद से इसे गोल गोल कर लें ऐसे। तो ऐसे ही हम सारी बना लेंगे। इधर हमने पैन में तेल गरम कर लिया है और जितने भी इसमें आएंगे उतने हम डाल लेते हैं। गैस को आप मीडियम फ्लेम पर ही रखें, अगर तेज करेंगे तो ये जल जाएंगे। तो ऐसे ही करके हम सारे बना लेंगे। तो हल्की गैस में ही इसे बनाएं। उसके बाद हम इसे पलट लेते हैं। ये आप देखिए गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आने लग गया है। तो ऐसे ही करके हम सारी पलट लेते हैं। तो सारी पलट पलट के हमने अच्छी करारी बिल्कुल तैयार कर दी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये आप देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आया है, बहुत ही टेस्टी होते हैं। कभी भी मेहमान आए घर पे तब भी आप एकदम से बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं, हल्की फुल्की भूख हो तो सुबह शाम में बना सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।